तुम्हें क्या लगा ये मोहित धोखा दे देगा? अरे आज कुछ अलग ही मतलब अंदाज में फेसबुक लाइव आ रहा है, मतलब वो नॉर्मली जो स्क्रीन दिखती है ना वैसी स्क्रीन नहीं दिख रही है, कुछ अलग सी दिख रही है, शायद नहीं फेसबुक अपडेट हो गया फोन में ऐसा कुछ हो गया, मैंने तो किया नहीं था यार पर हो गया। चलो लाइव चैट शुरू हो चुकी है, कैसे हो तुम सब? चारू पांचाल का सबसे पहला आज हाय है, हाय चारू पांचाल कैसी हो तुम? ओहिंद्रिला दत्ता हाय मोहित कह रही है, हाय निश्चय चौधरी, हेलो सहर मर्शाल काजमी, सहर मर्शाल काजमी अफगानिस्तान से अपनी फैमिली के मेंबर है, मतलब बहुत ही प्यारी दोस्त है अपनी। पल्लवी चौहान हाय पल्लवी चौहान, हाय फहाद वसीम, हाय तानिया गिरी, पायल शेर कोंद, पायल श्री कोंदवर ने अभी अभी शेयर किया है वीडियो, तो पायल थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द वीडियो। और भंशिया त्रिशला हेलो, हाय नील पटेल, हेलो सयोनी घोष, हेलो शीतल थपलियाल, वांट टू नो हु इज वॉचिंग योर लाइव वीडियो, स्वाइप लेफ्ट टू सी योर व्यूअर्स, ये क्या है मतलब? वीडियो ओनली मोड, स्वाइप लेफ्ट टू रिवील कमेंट्स एंड, अरे मतलब अभी फेसबुक ये अपडेट हो गया है ना यार, तो पता नहीं कुछ अलग से ही आ रहा है अभी, मतलब इस पे अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। गुरु राज देश पांडे आरसीबी का मैच है भैया, फिर भी हैप्पी संडे, अच्छा हूँ। तो भाई अभी बता रहे हैं कि आरसीबी का मैच है आज और फिर भी अभी वो लाइव चैट देख रहे हैं, यार क्या बात है, चलो बढ़िया है यार। और लाइव चैट फिर खत्म करके आरसीबी का मैच देख लेना यार, तो बढ़िया बात है यार, तुम सब छोड़ के आए हो मतलब लाइव चैट देखने के लिए, अच्छा लग रहा है मुझे भी। अनमोल अग्रवाल हे मोहित ब्रो, आपको कॉल नहीं किया था, मैसेज भी करा नो आंसर। अनमोल मुझे समझ नहीं यार मतलब। रिमझिम रिम्स कह रही हाय कैसे हो, मैं एकदम अच्छा हूँ रिमझिम रिम्स। मनी वर्मा हेलो मोहित, हाय मनी वर्मा, हाय प्रियंका गुप्ता, नहीं वो सामने प्लीज सिंग मेरे भाई निशांत पटेल कह रहे हैं, भाई ये गाना मुझे नहीं पता है कौन सा गाना है। मोनिका राव कह रही हेलो सर, नील पटेल बोल रहे हैं मोहित भाई मिस यू यार, कम वडोदरा आ जाओ समर वेकेशन करने। नहीं भाई अभी समर वेकेशन का टाइम नहीं, अभी तुम सबके गाने बनाने यार, बताओ गाना तू गाले अभी तक नहीं बन पा रहा है और बाकी सब इतने सारी चीज़ें करनी है ना, अभी खूब सारे गाने करने हैं यार, तो अभी वेकेशन नो वेकेशन ओनली वर्क 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 बहुत सारे, ये बढ़िया मस्त। अरे यार ये अजीब से सब बढ़िया है। शीतल लियाल आपकी स्माइल बहुत ज्यादा क्यूट है सर, थैंक यू यार शीतल थैंक यू। तानिया गिरी पूछ रही कैसे हो तुम मोहित, मैं एकदम अच्छा हूँ तानिया, तुम कैसे हो? और अब तुम सब बताया तुम सब कैसे हो, मतलब आज ना मतलब हर बार देखो मैं तुमको रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम सब अपने बारे में बताओ मुझे, पर तुम मतलब छोड़ देते हो ये यार, ये वाला जो पॉइंट है ना, तुम मेरे बारे में बात करते हो, गाने के बारे में बात कर रहे हो, बहुत सारी चीजें बात करते हो, पर आज मैं चाहता हूँ तुम वाकई में सिर्फ तुम्हारे दिल की बात कहो, जो भी तुम्हें कहना है, जो भी तुम्हें पूछना है, मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है, मेरे बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, कोई भी बात अधूरी रह गई हो, वो सारी बातें ना आज अपन करते हैं, मतलब जो भी तुम्हारे दिल में ना तुम बोल डालो, कुछ भी एक्स वाई जेड, अच्छा बुरा भला कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तुम बोलो सिर्फ तुम, ठीक है मैं सुनता हूँ, और जो भी अगर रिप्लाई करने का हो तो मैं रिप्लाई भी करूंगा, आज आज तुम अपनी बात कहो कुछ, आज आज तुम बताओ, ठीक है। तो जब तक रश्मि चौहान कह रही है आपकी मूछें काफी सूट करती हैं आपको, थैंक यू यार रश्मि। वैभव भुजबल कोई भी आपका मनपसंद गाना सुना दो, अच्छा ऐसा क्या? मेरा मनपसंद तो कहीं तो होगी वो दुनिया जा तू मेरे साथ है, जहाँ मैं जहाँ तू और जहाँ बस तेरे मेरे जज्बात है, होती जा सुबह तेरी पलकों की किरणों में,
लोरी जहां चांद की सुने तेरी बाहों में, जाने ना कहां वो दुनिया है, जाने ना वो है भैया नहीं, जहां मेरी जिंदगी मुझसे इतनी खफा नहीं, जाने ना कहां वो दुनिया है, जाने ना वो है भैया नहीं, जहां मेरी जिंदगी मुझसे इतनी खफा नहीं। ये मुझे बहुत पसंद है ये सॉन्ग। अब बताओ तुम सब कैसे हो? या पता अभी गाना गाने के चक्कर में ना गाना तो गा दिया फील वील में, पर वो मैं देख ही नहीं पाया तुम सबके कमेंट्स। तो रुक जाओ मैं कमेंट्स थोड़ा ना स्क्रॉल बैक करता हूँ, पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पास मैं चाहता हूँ कि सिर्फ तुम अपने बारे में कुछ बातें बताओ, सिर्फ तुम बताओ, ठीक है? तो अदिति करमारकर कह रही हैं कि आप मुझे एक भी दिन रिप्लाई नहीं देते हो। अच्छा यार अदिति, मैं जैसे ही मैसेज देखता हूँ ना या कमेंट देखता हूँ आपका, ज़रूर रिप्लाई करता हूँ यार, कोशिश ही रहती है मेरी। और प्रिंस इरफान कह रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर योर अपकमिंग सॉन्ग, माय फेवरेट सॉन्ग इज कपकेक, प्लीज सिंगिंग दिस सॉन्ग। अच्छा, वो चाहते हैं मैं गाना गाऊँ। रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब दूँ, मखमली सी रेशमी सी आवाज तू, जिस कसम के तेरी नींद को आराम हो, जिस महक तेरे पास में गुलाब हो, कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है, कह ले कुछ भी मेरा कब तक है। मोहित वर्मा कह रहे हैं, ब्रो बहुत दिनों के बाद मिले। हाँ यार भाई, मैं तो यार कोशिश करता हूँ हर संडे को लाइव आने की, कभी कभी नहीं हो पाता है, कुछ रीजंस होते हैं, कभी कभार बिजी हो जाता हूँ, थोड़ा काम रहता है, कभी तबीयत खराब रहती है, कुछ भी हो जाता है एक्सपायरेट, पर कोशिश तो मुझे ये रहती है यार कि अपना हर टाइम लाइव आए, हर वीक 9 PM संडे को अपन सुपर संडे विद एमजी करें करें, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी नहीं हो पाता है तो ऐसा हो जाता है, वरना तो मैं हमेशा मतलब अपन करते हैं लाइव चैट। तो शौर्य सिन्हा कह रहे हैं, सर लग जा गले सॉन्ग प्लीज। अच्छा यार, पहले ना मैं गाने तो गाता रहेंगे अपन, गाने तो गाते रहेंगे अपन सब भी मिलके, लेकिन पहले तुम सब अपने बारे में प्लीज़ कुछ बताओ ना, कुछ भी जो भी तुम्हारे दिल की बात हो, कुछ भी अगर तुम्हें कहना हो, तुम्हें कुछ भी पूछना हो, कुछ भी चीज़ तुम्हें शेयर करनी हो अपने दिल से, या जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है प्लीज़ वो शेयर करो यार। मैं सिर्फ तुम सबसे सुनना चाहता हूँ, बहुत जो भी तुम्हारे दिल में सब भूल डालो। सनी गिरी, ऑसम वॉइस, वी लव यू ब्रो, थैंक यू सो मच सनी। उमेश गोयल कह रहे हैं, ब्रो यार 4 कमेंट्स एंड नो रिप्लाई फ्रॉम योर साइड, एनी प्रॉब्लम ब्रो? ब्रो प्रॉब्लम नहीं उमेश, बस शायद ये होगा कि मेरे को आपका कमेंट दिख नहीं पाया होगा ऐसा। मुस्कान गोयल कह रहे हैं, बाय द वे वेटिंग फॉर गाना तू गा ले। बिल्कुल यार, मैं ही वेट कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा और साथ में ही वेट करना पड़ेगा अभी अपन सबको। सरोज गौतम कह रहे, मिस यू कपकेक, बस आपका ही वेट कर रही थी, हाउ स्वीट। देखो मैं आ गया सरोज। और ऋषा बंसाली कह रही है, मेरे फेस पिंपल अटैक आया है उनको शायद, तो ये बात वो शेयर करें यार। कोई ना यार ऋषा, बढ़िया है, मतलब तू बड़ी हो रही है, ये तो मतलब वो क्या यूथ के सिम्टम्स हैं, ये इस यूथ नाम की बीमारी के सिम्टम्स हैं, पिंपल्स हो जाना, ये कोई ना, बड़ी हो रही है तो बढ़िया, अच्छी बात है, गुड गुड गुड। और सहर मार्शल काजमी कह रही है, आई एम वेरी सेंसिटिव, प्लीज नेवर इग्नोर माय कमेंट्स, आई ट्राई टू, मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि सबके रिप्लाई कर सकूँ सहर, पर हो नहीं पाता है कभी कभी, पर कोशिश ही रहती है, आई ऑलवेज ट्राई टू रिप्लाई ईच वन ऑफ यू, एज मेनी ऑफ यू एज पॉसिबल। एंड प्राची नागपुरा कह रहे हैं, आई लव यू मोहित द कपकेक बॉय, अरे आई लव यू टू यार। रजनी भी बख्शी, हाय बोल दो मेरा नाम लेके भी, हाय रजनी। और सोनाली सुष्मिता बारिक कह रही है, आज कैप किधर है यार तुम्हारा? यार सोनाली, आज कैप लगाने की इच्छा नहीं हुई मेरी,
कभी छाती तो लगा लेता हूँ, नहीं लगाता हूँ, ऐसा है अपना सीन, मतलब फील फील जो इच्छा वो करने का। तो राहुल राज कह रहे हैं हाय भैया एक बार मेरा भी नाम ले लो। हाय वर्षा राय कह रही मेरी बेस्ट फ्रेंड भारती बोलती है कि क्या पागल की तरह मोहित को देखती रहती है। ऐसा है क्या? कोई ना, अपन मैं भी पागल तुम भी पागल, अपन सब पागलों की तरह एक दूसरे को देखेंगे, ठीक है चलेगा ना। यश नाई इट्स ओके ब्रो पर आप आते हो ना तो अच्छा लगता है। अरे यार मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है यश, मेरे इसलिए आता हूँ। और आज स्पेशली पता है आज मतलब अपना फेसबुक जो पेज है ना उस पर किसी ने पोस्ट डाली थी, उस्मान अर्शद हमीद शायद उनका नाम है, एग्जैक्टली नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने है ना पोस्ट डाली थी कि है ना आज आ जाओ ना लाइव चैट पे, आज आ जाओ ना लाइव। तो इसलिए मेरा मैं उनको मतलब मेरे को मतलब तुम सब ऐसे कहते हो तुम सबको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है ना लाइव आना, इसलिए मेरी मतलब तुम सबको अच्छा लगता है इसलिए मेरे को भी और अच्छा लगता है यार चलो लाइव आता हूँ एक बार। तो मतलब कैसे भी करके कैसा भी हो टाइम वाइम कुछ भी हो कैसा भी करके मतलब टाइम निकाल कर आना ही है लाइव, तो संडे को अच्छा लगता है यार बातें करना, मस्त तुम सबसे मिलता हूँ तुम सबसे बातें करता हूँ। और इसलिए आज मेरी बहुत इच्छा हुई कि आज तुम सब अपनी बातें बताओ, मैं तो हर बार बताता ही रहता हूँ, तो आज मैं चाहता हूँ तुम बताओ। ठीक है यो स्टार्ट कर दो मस्त। अभी तक मैंने जैसे अभी ऋषभ अंसाली ने अपनी अभी की हालत शेयर करी, वैसे तुम भी जो तुम्हारी इच्छा हो शेयर कर सकते हो। फाल्गुनी खेमका कह रही हे ड्यूड यू आर क्यूट ऑसम रॉकिंग, आप जब कानपुर आए थे तब तो यू रॉक्ड इट, लव यू, आई लव यू टू फाल्गुनी। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कानपुर का जो अपना कॉन्सर्ट हुआ था आपके स्कूल में, वो बहुत ही अमेजिंग था यार, बहुत याद आता है मुझे। और वापस से आऊँगा कभी कानपुर तो पक्का आप वापस से कॉन्सर्ट में आना। दीपक सिंह 2 and 17 अदर्स जस्ट शेयर योर वीडियो, थैंक यू सो मच दीपक सिंह और जितने भी लोगों ने शेयर किया वीडियो और जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं सबको बहुत बहुत थैंक यू, जो भी अभी कमेंट कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। एंड कंचन प्रिया कह रही है मैंने रिसेंटली सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन करी है, आई एम सो हैप्पी, प्लीज विश मी ऑल द बेस्ट कंचन प्रिया, ऑल द बेस्ट। और सैम ठाकुर कह रहे हैं नाइस मुस्टैच, थैंक यू यार। हैरी सिंह ने भी अभी शेयर किया वीडियो, थैंक यू सो मच हैरी सिंह वीडियो शेयर करने के लिए। शीतल थपलियाल कह रहे सर प्लीज कम देहरादून, जल्दी आऊँगा शीतल, आई होप देहरादून मैं कभी आ नहीं पाया हूँ, कभी आऊँगा मस्त। और परी नेहा सिंह कह रही है और कौन कौन है आपके घर में? मेरे सारे दोस्त हैं यार यहाँ पे मस्त, जयपुर के दोस्त हैं मुंबई में, हमने मतलब मुंबई में जयपुर बना रखा है छोटा सा हमारा। आयरन पटेल सेंदर कह रहे प्लीज सिंग दर्शन रावल्स पहली मोहब्बत, वी वांट टू लिसन प्लीज सर। अच्छा रुको, मेरा दिन भी तू मेरी शाम तू मेरे रात के सपनों में तू मेरी आहटे तेरा नाम ले ये बात तू मान ले, 100 साल का मेरा एक दिन हो जिसमें तेरी खुशबू ना हो, बेरुत सी है मेरी ये जिंदगी जिसमें तेरी खुशबू ना हो, मेरी पहली मोहब्बत है वो, मेरी पहली मोहब्बत है वो। अनमोल अग्रवाल एंड 28 अदर्स जस्ट शेयर योर वीडियो, थैंक यू सो मच अनमोल अग्रवाल और जितने भी लोगों ने शेयर किया वीडियो थैंक यू। एंड अक्षिता खंडेलवाल कह रहे हैं कोटा आ जाओ ना प्लीज, जयपुर से 4 hours ही दूर है, पर मैं कोटा नहीं रहता हूँ यार, मैं तो यहाँ मुंबई रहता हूँ। और मैं जयपुर भी कभी आता हूँ तो मैं जयपुर में अपने घर के अलावा और कहीं नहीं जा पाता हूँ, मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है मतलब घर पे रहना, मम्मी पापा के साथ में भाई बहनों के साथ में टाइम स्पेंड करना। तो और तानिया गिरी कह रही मेरा ये वीक बढ़िया गया, स्कूल ऑब्जर्वेशन के लिए गई थी तो मज़ा आया, एग्जाम में गॉड देकर साइन करके पेज देने में भी मज़ा आया। हाँ मतलब उनके एग्जाम्स अच्छे गए तानिया के, क्या बात है, अच्छा लगा तानिया जान के यार। और यार ऐसी अपनी कुछ बातें शेयर करो ना यार, तानिया तूने ऐसा बोला ना तो मुझे मेरे स्कूल डेज याद आ गया पता है इस बात से, मतलब मैं अपने स्कूल में
बड़ा अजीब सा बच्चा था यार, मैं चीटिंग वीटिंग नहीं करता था स्कूल टाइम पे, तो कॉलेज में आकर फिर भी थोड़ी बहुत करनी पड़ गई थी, लेकिन स्कूल टाइम में तो एकदम सिंसियर बच्चा था। और एग्जाम देते टाइम मतलब ना किसी से पूछना कुछ, ना किसी को बताना कुछ, सपने मतलब पढ़कर जाता था। और मेरी एक आदत बहुत मतलब अजीब सी थी, मतलब मैं एग्जाम से मतलब एक दिन पहले तो सब पढ़ते हैं, मैं क्या करता था, मैं क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं रटता था, मैं ना पूरा का पूरा चैप्टर ऐसा पढ़ लेता था, और चैप्टर पढ़ने के बाद में उसका मतलब चैप्टर पढ़ के उसको चैप्टर पढ़ता था, मैं समझता था। भले जैसे साइंस का भी एग्जाम है, मतलब फिजिक्स का केमिस्ट्री का एग्जाम है, तो फिजिक्स के मान लो अगर 10 चैप्टर आ रहे हैं एग्जाम में, तो अगर भले मैं 5 ही पढ़ पाऊँ, 5 पूरे पढ़ता था। और मतलब मैं मतलब क्वेश्चन आंसर रटना नहीं होता था मुझसे, मैं मुझे समझना बहुत अच्छा लगता था। तो वो क्योंकि मेरी मेमोरी क्या थोड़ी सी वीक है मतलब इस मामले में, रटने के मामले में, इसलिए मैं इसका कॉम्पनसेशन करता था समझने की तरह से, तो समझता था और फिर लिखता था। और बड़ा मस्त यार तानिया, तूने अपनी बात शेयर करी तो मुझे मेरे स्कूल के डेज याद आ गए यार। ऐसी प्लीज अपनी अपनी बातें कुछ शेयर करो ना, जो भी तुम्हारे दिल में आ रही है। रुको एक बार मैं बाल सेट कर लूं, आज कैप नहीं है ना, तो वो कैप नहीं है तो बाल सेट भी नहीं होते यार, अजीब से हो रखे हैं। कोई ना, चलता है। बिजल पटेल कह रही है, आई विश माय फ्यूचर लाइफ पार्टनर विल सिंग दिस सॉन्ग फॉर मी, हाउ स्वीट। अरे बिल्कुल यार, उसको जबरदस्ती कहना, जबरदस्ती गवा देना तुम तो। दर्शन पाराशर कह रहे हैं, हाय मोहित भाई यार, कभी हमारे से भी बोल लिया करो, और मुझे यार आपसे मिलने की बहुत इच्छा होती है, जयपुर आता हूँ तो आप नहीं होते हो। ऐसा है दर्शन भाई, पक्का जरूर जरूर मिलेंगे अपन दर्शन भाई, और मैं कभी जयपुर आता हूँ या कभी शो होता है तो आप जरूर आना देखने के लिए वहाँ पे, फिर मिलते हैं अपन। और उपेंद्र शेखावत कह रहे हैं, एमिटी आ जाओ। अरे यार इसने तो एमिटी की याद दिला दी उपेंद्र भाई ने तो। मैं एमिटी मेरा कॉलेज है ना जहाँ से, रुको मैं ये चार्जिंग का ये लगा लेता हूँ, वो तो उठा बैटरी आ रही है, ये सब प्रॉब्लम होती है, रियलिस्टिक प्रॉब्लम है तो मतलब सबके साथ होती है। तो उपेंद्र शेखावत कह रहे हैं एमिटी आ जाओ, एमिटी यार मेरा कॉलेज है, काश मैं आ पाता उपेंद्र, आई विश यार। और पूर्वी रावतन 35 अदर जो शेयर योर वीडियो, थैंक यू सो मच पूर्वी रावत, और जितने भी लोगों ने शेयर किया वीडियो, और जो भी अभी भी लाइव पर हैं और कमेंट्स कर रहे हैं यार, इतनी प्यार से अपनी अपनी बातें शेयर करें। तान्या गिरी ने करी, ऋषा वंसाली ने करी, प्लीज अपनी अपनी बातें सब शेयर करो। वसीम खान कह रहे हैं कि क्रिस्टल पाम मीट। वसीम खान शायद मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, और मैं उनसे मिला था क्रिस्टल पाम में, मैं आज से मतलब करीबन 6-7 साल पहले परफॉर्म किया करता था, और बैंड के साथ में मेरा बैंड था पायरेट्स ऑफ सोल नाम से, तो उनके साथ में मैंने क्रिस्टल पाम है जयपुर में वहाँ पे परफॉर्म किया था, मतलब वो मेरे फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंसेज में से एक था मेरी लाइफ के, और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था यार उस टाइम, ऑडियंस को देखना पहली बार, और मतलब क्या बताऊँ यार, वो फीलिंग ही अलग थी, पहली बार जब माइक पकड़ते हो, और पहली बार जब ऑडियंस आपको चीयर करती है, और आपके साथ पूरा बैंड प्ले कर रहा है, भले ही आप नए हो इस फील्ड में, भले ही आपको शायद आता नहीं है, लेकिन वो फील मतलब अलग ही होती है जब, बहुत ही मतलब प्यारी याद है यार, ये तो बहुत प्यारी मेमोरी है। वसीम मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कमेंट किया ब्रो, और आप कैसे हो वसीम, आप मुझे बताओ प्लीज। वसीम और उनके कुछ दोस्त भी थे, वो भी वहाँ पर आए थे क्रिस्टल पाम में परफॉर्मेंस था, जयपुर शॉपिंग फेस्टिवल था उस टाइम पे, दिवाली का टाइम चल रहा था और जयपुर शॉपिंग फेस्टिवल था वो। और जरीन आफरीन खान कह रही, मेरी मम्मी तुमको बहुत प्यार करती है, शी लव्स यू लाइक एनीथिंग, यू सो क्यूट। वाओ जरीन, प्लीज थैंक यू कहना आपकी मॉम को, और अगर वो लाइव चैट देख रही है तो उनको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, आई लव यू मॉम। और अवंतिका चौहान कह रहे हैं, प्लीज यार रिप्लाई कर दे। अवंतिका चौहान, अरे यार मेरे को कमेंट दिखेगा आपका तो मैं क्यों नहीं रिप्लाई करूंगा यार, बताओ क्यों नहीं, मेरे पास क्या वजह है, मैं आता ही सिर्फ तुमसे बात करने के लिए हूँ, तो मेरे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं तुम सबको रिप्लाई करने के अलावा। पर प्रॉब्लम बस ये हो जाती है कि जब मैं किसी जैसे आपको रिप्लाई कर रहा हूँ तो उसके साथ में बहुत सारे कमेंट्स क्रॉल अप हो जाते हैं, तो वो कुछ स्किप हो जाते हैं काफी सारे।
नाम चोरी हो गया नाम इनका। वो कह रहे हैं यू सेड वी आर फ्रेंड्स बट यू नेवर नोटिस मी, वाई? ऐसा नहीं है, नाम चोरी हो गया आपका, बहुत ही अमेजिंग नाम है ये तो, मतलब याद ही रह जाएगा। बताओ आपका असली नाम क्या है ये भी बता दो, तो मतलब वो लेने में थोड़ा इजी हो जाएगा। नाम चोरी हो गया, बढ़िया नाम है यार तुम्हारा तो। अनुषा शिव कुमार कह रही है मोहित तुमने मेरा हार्ट ब्रेक कर दिया यार, कब से कमेंट कर रही हूँ, प्लीज़ यार मेरा नाम ले लो मोहित प्लीज़ फॉर दिस कपकेक प्लीज़। अनुषा शिव कुमार, अरे बिल्कुल यार, देखो तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार मेरा तो काम ही पर यही है कि तुम सब सबसे बातें करना, तुम सबके कमेंट्स पढ़ना, उनको रिप्लाई करना, तुम सबसे बातें करने के लिए तो आता हूँ मैं यहाँ पे। इन केस अगर मैं तुम्हें कभी रिप्लाई नहीं कर पाऊँ तो प्लीज़ डिसहार्टन मत होना और बुरा मत मानना, मैं तो कोशिश ही करता हूँ कि तुम सबसे बात करूँ, और नहीं होता है तो तुम लाइव चैट पर आते रहा करो, मेरा तो हर वीक है यहाँ पर आना अपना, हर वीक यहाँ पे अड्डा बनता है, अपन सब यहाँ मिलकर बातें करते हैं अपनी, कुछ मैं शेयर करता हूँ, कुछ तुम शेयर करते हो, तो हर वीक चलना है और पूरी ज़िंदगी चलना है, तो टेंशन नहीं है। तो अपना मतलब बातें होती रहेंगी, तुम कमेंट करा करो अपने दिल से जो भी तुम्हारे दिल में आए, ठीक है। हिमांशु चिप्पा कह रहे हैं यार बेली पंजाबी सॉन्ग सर जी प्लीज एक बार, पंजाबी सॉन्ग यार, पंजाबी सॉन्ग तो यार मुझे मतलब क्योंकि मेरे को पंजाबी ज़्यादा आती नहीं है तो मेरे को एग्जैक्टली आता नहीं पंजाबी सॉन्ग्स, पर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। कौन सा गाऊँ पंजाबी में? वे मैं सारे घूम के वेखिया, अमरीका रूस मलेशिया, ना किथे भी कोई फर्क सी, हर किसे भी कोई शर्त सी, कोई मंगदा मेरे सी समा, कोई होंदा सूरत ते फिदा, कोई मंगदा मेरी सी वफा, ना कोई मंगदा मेरी अबला की तेरे बिन, होर ना किसे करनी भौप विच छा, कि तेरे बिन सानू सोने आ, कोई होर नहीं लगना। मुझे गाना बहुत पसंद है, बहुत बहुत पसंद है। रब्बी शेरिल का मतलब बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, बहुत बड़ा, और उनके वो गाना है ना बुल्ला की जाना मैं कौन, उसके बाद से तो बहुत ही बड़ा फैन हो गया था। और प्रीति प्रजापति गोला हेलो योर सिंगिंग इज अमेजिंग, थैंक यू प्रीति प्रजापति। निश्चय चौधरी कह रहे राजस्थानी सॉन्ग हो जाए, राजस्थानी सॉन्ग, राजस्थानी सॉन्ग कि राजस्थानी सॉन्ग तो यार रुक जा एक कोई सा मस्त सा जो अभी तक तुमको नहीं सुनाया है वो सुनाऊंगा, तो राजस्थानी सॉन्ग, राजस्थानी सॉन्ग कौन सा? वे जब देखूं बनेरी लाल पीली अखियां, जद देखूं बनेरी लाल पीली अखियां, मैं नहीं डरू सा, भलाई का डो अखियां, मैं नहीं डरू सा, भलाई का डो अखियां, जब देखूं बनेरी लाल पीली अखियां, जद देखूं बनेरी लाल पीली अखियां, मैं नहीं डरू सा, भलाई का डो अखियां, मैं नहीं डरू सा, भलाई का डो अखियां। ये गाना भी मुझे बहुत बहुत पसंद है राजस्थानी सॉन्ग में, और ये मैंने पहले सबसे पहले सुना था बॉर्नविटा का, एक टाइम पर एडवर्टाइजमेंट आता था तो उसमें है ना वो एक मतलब बच्चा था वो गाता था इसको स्केटिंग, तुम्हें याद है वो एडवर्टाइजमेंट आता था, एक जो बच्चा था वो तो स्केटिंग करता था और एक जो बच्चा था वो राजस्थानी फोक ये गाता था, तब से मुझे गाना बहुत पसंद है। तो रंजीता सिंह गुप्ता कह रहा रिप्लाई करो। हिमानी नवीन मालवी कह रहे थैंक्स मोहित मैंने फर्स्ट टाइम कमेंट किया और तुमने आंसर भी दिया। हाँ हिमानी यार देखो मेरे को तो ना मतलब कमेंट दिखेगा तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा यार। खुशबू तातिया हाय क्यूट एंड चार्मिंग बॉय प्लीज सिंग कपकेक फॉर मी, मैंने गाया गाना, आपको आपको रिवाइंड करना पड़ेगा लाइव चैट में, मैंने कपकेक जरूर गाया है। और कंचन प्रिया कह रहे हैं एक भोजपुरी सॉन्ग भी हो जाए, अच्छा भोजपुरी सॉन्ग, यार भोजपुरी सॉन्ग मुझे वो बड़ा पसंद है वो। क्या था वो? यार वो थोड़ा फनी सॉन्ग है पर बड़ा मस्त सॉन्ग है, बहुत पॉपुलर है, जब भी मैं मतलब भोजपुरी यूपी या बिहार साइड कभी शो करने जाता हूँ ना तो वहां पे ये गाना जरूर गाता हूँ। हो तू लगा बेलू जब लिपस्टिक और हिले लारा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागे लू हो, जिला टॉप लागे लू कमरिया
कमरिया कमरिया कोरे लापा लॉप लॉली पॉप लागे लू। अरे पता है क्या, एक बात मैं तुम्हें बताऊं इंटरेस्टिंग सी, मतलब मुझे ना, मैं कभी भी किसी रीजनल जगह पर जाता हूँ ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं यूपी बिहार साइड गया कभी शो करने, तो वहाँ का कोई जो रीजनल सॉन्ग है वो, जैसे उड़ीसा गया तो उड़ीसा उड़िया का जो है ना फोक सॉन्ग है वो, या उड़िया लैंग्वेज का जो सॉन्ग है, जैसे मैं कन्नडा वहाँ पर गया शो करने हैदराबाद, तो हैदराबाद में जो लैंग्वेज है उससे रिलेटेड कोई सॉन्ग, तो ये मुझे करना बहुत पसंद है। तो ऐसे मैं जहाँ जहाँ भी मोस्टली गया हूँ ना किसी रीजनल प्लेस पर, मैंने उस रीजन का गाना जरूर गाया है, भले वो गुजरात हो, भले ही वो हैदराबाद हो, भले ही वो कनाडा में सॉन्ग हो, कनाडा में भी एक मैंने सॉन्ग गाया था, हंगो हिंगो हिंगो दे हिंगा गो दे नोड़ो अणतम्मा अणतम्मा, मतलब ये मुझे बहुत पसंद है इस तरह से, मतलब रीजनल सॉन्ग याद करना। उससे पता होता क्या है कि मतलब जैसे मैं गया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं किसी की भी स्टेट में गया और मैंने उन्हीं की लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज से वो बचपन से जुड़े रहे, अगर उनकी लैंग्वेज में कुछ उनको बोला या उनके लिए कुछ गाया ना, तो उनको मतलब बहुत वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फील लगती है उनको कि यार कोई बाहर से कोई बंदा आया, उसने मतलब ऐसा किया हमारे लिए, हमारी लैंग्वेज के, हमारी लैंग्वेज का गाना गाया, तो उनको ये बात बहुत अच्छी लगती है। और मुझे ये बात इसलिए करना बहुत अच्छी लगती है कि उनको अच्छी लगेगी, तो मुझे ये बहुत पसंद है। और मैंने ऐसे बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस के सॉन्ग्स अपने शोज के लिए लर्न किए हैं और उनको उनके लिए गाए हैं, तो मज़ा आता है। तो ऋषिका गुप्ता कह रहे हैं, निश्चय चौधरी कह रहे हैं महाराष्ट्र बचा आहे, महाराष्ट्र भी बचा नहीं है, मैंने एक मराठी सॉन्ग भी लर्न किया है जो मुझे बहुत बहुत पसंद है, वैसा है वो, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है ये, याद लाग ला इस सॉन्ग का नाम है। मेरी प्रोनाउंसिएशन मराठी में थोड़ी बहुत कमज़ोर है और मुझे गाना बहुत पसंद है, और मैं कभी भी मतलब ऐसा मौका मिलेगा तो मौका मिलेगा कभी तो मराठी सॉन्ग भी गाऊंगा यहाँ के लोगों के लिए, कैसा कि याद लाग लेंगे याद लाग लेंगे रंग ले तो जाते याद लाग लेंगे वासियों साथी एक कस्तूरी रख लो वार ग्वाड लाग लेंगा चांद भास तो दिशा च माड़ वाय लाग ले हे ओड़ लागली मनात काल वाय लाग ले याड लाग लेंगा याड लाग लेंगा रंग ले तो जाते याड लाग लेंगा वासियों साथी ये कस्तूरी च चख लाड़ लाग लग। मुझे बहुत पसंद है ये सॉन्ग भी, ये साईराट करके एक मूवी है जो सुपर डुपर हिट है मतलब, और उसका सॉन्ग है ये याद लाग ला। तो यार आज तो बड़ा ही मजा आया यार, तुम सबने ना अपनी बातें बताई और बातें बताई भी तो शायद मैं पढ़ नहीं पाया यार, क्योंकि मैं ना वो गाने में रह गया, तुमने गाना बोला और मैं गाने लग गया ऐसा। पीयूष जैन कह रहे गुजराती सॉन्ग गाओ, गुजराती भी बचा हुआ है तो गुजराती भी बचा हुआ तो गुजराती भी मतलब गाना चाहिए ना गुजराती वो कैसा वो सनेड़ो 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 लाल सनेड़ो 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 लाल सनेड़ो हम जीने होम बड़ज लाल सनेड़ो हम जीने होम बड़ज लाल सनेड़ो 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 सनेड़ो। और शांतनु बर्मन ने कहा एक बंगाली सॉन्ग भी गा दो, अच्छा बंगाली भी बंगाली मैंने लर्न किया था कोलकाता के लिए, वो कैसा था वो शाधला। अरे यार धुन भूल रहा हूँ मैं उसकी, इतने सारे गाने मिक्स हो गए ना, रुको एक मिनट, शाधलाओ बनैलो मोरे बोए रागी ओ शाधलाओ बनैलो मोरे बोए रागी आमी आगा खाएलाम डोगागो खाएलाम। अरे यार इसका वही चेंज हो गया, स्केल चेंज हो गया, शिट यार तो बहुत सारे गाने अभी दिमाग में आ गए और कुछ है भी नहीं ना, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है सुर देने के लिए तो उससे इजी हो जाता है थोड़ा गाना, तो वो कंफ्यूज हो रहा हूँ, करो कैसा है आमी आगा खाएलाम डोगा गो खाएलाम मागा खाएलाम डोगा गो खाएलाम लाहुदे बनाएलाम डूग डूगी हरे लाहुदे बनाएलाम डूग डूगी शाधिर लाओ बनाएल मुरे बोए रागी ओ शाधिर लाओ बनाएल मुरे बोए रागी। तो ऐसे करके बहुत खूबसूरत बंगाली सॉन्ग है, और मुझे ना फोक सॉन्ग है भी बहुत पसंद है, मतलब मुझे बहुत पसंद आते हैं फोक सॉन्ग,
तो अभी ना अभी 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 चलो यार, बहुत बहुत देर हो गई है अपन को बातें करते हुए। अभी ना अभी टाइम है, अभी टाइम है क्या अपन सबके लास्ट वो गुड बाय बोलने का, जो गुड बाय अपन कैसे बोलते हैं, आई लव यू बोलते हैं दूसरे को। फिर बहुत सारा टाइम हो गया, तुम सब जाके रेस्ट करो और मैं भी अभी अपना वापस से वर्क पे लग जाता हूँ। तब तक टेक केयर। और यार बस मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम सबसे बातें करना। और सॉरी, नेक्स्ट संडे लाइव चैट पर मिलते हैं। और थोड़ा सा और वेट करो यार, गाना तू गा ले और मदर्स डे सॉन्ग और बहुत सारे सॉन्ग्स पर। मैं बस अभी स्टोरी सॉन्ग्स पर वर्क ही चल रहा है और कोशिश ये कि तुम सब, मतलब तुम सब के लिए यार बहुत सारे गाने लाऊं मैं। क्योंकि मतलब मैं सच बता रहा हूँ, देखो मेरे को ना और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, मेरे को तुम सब के लिए बहुत सारे गाने देने हैं। मतलब तुम सब ने जितना भी प्यार दिया है ना, अभी मेरा मेरी बारी है उन सबको, उसको क्या है, चुप हिसाब बराबर करने की। तो कर्मा इज अ बिच, और जो कर्म किए हैं, जो तुमने तुमने मेरे लिए किया, मुझे तुम्हारे लिए वो करना ही पड़ेगा। तो मैं बहुत सारे सॉन्ग्स ला रहा हूँ तुम सबके लिए, प्लीज़ वेट करो। और मैं उसी के लिए वर्क कर रहा हूँ, हम सब पूरी टीम उसी के लिए वर्क कर रही है। एंड टिल देन, नेक्स्ट संडे को ज़रूर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू, आई लव यू। बिना सुने तो मैं जाऊँगा ही नहीं, ये बात तो भूल ही जाऊँ। बहुत प्यार से तुम सबका आई लव यू चाहिए मुझे, और वो लिए बिना मुझे जाता नहीं है। तो प्लीज़ आई लव यू। तान्या गिरी करिए, मेरा एग्जाम नहीं था, मैं तो टीचर बन के गार्ड दे रही थी। अच्छा, वो गार्ड मतलब वो टीचर की तरह, मॉनिटर की तरह है ना, तो टीचर की तरह वो मॉनिटरिंग कर रही थी, क्या कह रहा हूँ मैं अभी। अनिल पटेल कह रहा है आई लव यू। पापिया बैद कह रहे हैं लव यू सो मच। अरे आई लव यू टू। नील पटेल के तो बहुत सारे आई लव यू आ रहे हैं। आरती अग्रवाल कह रही बाय कपकेक, गुड नाइट एस डी, टेक केयर। नहीं नहीं आरती अग्रवाल, गुड नाइट गुड नाइट, मेरे तो आई लव यू चाहिए। देखो भाई, सैम ठाकुर कह रहे हैं लव ओ लव ओ, वाह अलग तरह का लव यू है ये। मनी वर्मा कह रहे हैं लव यू बाय। नील पटेल के तो बहुत सारे आई लव यू आ रहे हैं। मतलब सप्तऋषि बागची लव यू मोहित भैया। सप्तऋषि बागची यार, सप्तऋषि बागची तो मेरा मेरा एक जूनियर भी था मेरे कॉलेज में, आमिटी में। क्या बात है यार सप्तऋषि। प्रियंका गुप्ता करें गुड नाइट टेक केयर बाय, गुड नाइट, नेक्स्ट संडे मिलेंगे, ठीक है, बाय।